ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एयरफोन काफ़ी सही है मतलब, और 2300 का बजट है तो मतलब बहुत ही बढ़िया एयरफोन है। और अगर आपका 2000 का बजट है तो डेफिनेटली वन प्लस की एयरफोन आप खरीद सकते हैं, है ना। और इसके अलावा इसका जो साइज़ है आपको एयर टिप्स का, वन प्लस का जैसे गोल है और राउंड शेप में जितनी भी एयरफोन आती हैं, तो ये जो साइज़ मुझे लगा अजीब सा लग रहा है, मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, बट आप जैसे जैसे यूज़ टू हो जाते हो फिर आपको कंफर्टेबल लगने लग जाएगा। और ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, बस इसको आप टांग सकते हो आप कहीं से पर, आप कॉम्पैक्टली जेब में नहीं डाल सकते, ये थोड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे ईयरफोन्स का। और बात करें प्राइस के हिसाब से तो बहुत सही एयरफोन है, और टाइप सी चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, 10 मिनट में ये चार्ज हो जाती है। बाकी कॉमन जो आपकी ईयरफोन्स में आ रही है वो डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, तो टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं Realme Buds Wireless 2 का रिव्यू, और कुछ इस तरह का ये बॉक्स है और मैंने इसको ऑर्डर कराया फ्लिपकार्ट से ऑफ़र में, है ना। तो पीछे की तरफ बेसिक जो डिटेल्स हैं वो मेंशन करी गई हैं, और यहाँ पर ये प्लास्टिक रैप के साथ आती है, तो अगर आपका प्लास्टिक रैप नहीं मिलता है तो मेक श्योर करें उसे और रिटर्न कर दें, क्योंकि प्लास्टिक रैप से इसकी सील होती है जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो बेस पीछे की तरफ इसकी जो डिटेल्स हैं जैसे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ है, और सोनी का LDAC सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है, और 10 मिनट के चार्ज में ये 12 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम दे देती है। इसके साथ आपको 22 घंटे का जो प्लेबैक टाइम है टोटल आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है यहाँ पर दी हुई है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से पैकेज्ड है ये, तो टूटने का और गिरने का सवाल नहीं होता इसका, तो आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग में तो बॉक्स को लेना चाहें तो ले जा सकते हैं, है ना। और ऊपर की ओर यहाँ से एयरफोन को निकालने का एक लिड दिया हुआ है जिस पर मेंशन किया हुआ है। इसके साथ आपको पीछे की तरफ कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ पर आपको इसके एक्सेसरीज मिल जाती हैं, जैसे USB टाइप सी जो कि येलो कलर की है ना, और एक एक्स्ट्रा ईयरबड्स के पेयर मिल जाते हैं जो कि दो हैं, है ना, दो पेयर में, ठीक है। इसके साथ आपको यूज़र गाइड मिल जाती है जहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि किस तरह आप Realme Link ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं इसकी बटन्स को। तो जैसा कि आपको मालूम है Realme Buds 2 में आप बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, और अपनी तरह आप जो भी बटन रखना चाहते हो उसे आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको Realme Link ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आप इसको लिंक कर देना है, जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करके कनेक्ट करोगे ये अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके हिसाब से आप इसके बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी या डायनेमिक मोड को सेट कर सकते हो, उस पे आप इसका म्यूज़िक सुन सकते हो। इसके अंदर आपको 13.6 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस को और बढ़ा देंगे, और बेस बूस्ट ड्राइवर मतलब आपके जो म्यूज़िक सुन जिससे लगाते हो आप ईयरबड, वो काफ़ी बड़ा है उसका ड्राइवर, तो आप म्यूज़िक को और भी अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके साथ आपको Realme की जो ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और चार बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो जिन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके जो ईयरबड्स हैं काफ़ी शाइनी लुकिंग दिए हुए हैं और काफ़ी बड़े हैं, मतलब अगर आपकी ईयर छोटे हैं तो उनमें ये शायद कंफर्टेबली फिट ना हो, लेकिन आप यूज़ करेंगे इसको जैसे टाइम बाय द टाइम तो आपको कम्फर्टेबल लगेंगे, और अगर आपके ईयर्स बड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसका अगर आप जो आइकन देखोगे तो साइज़ में थोड़ा चपटा है, मतलब जैसे जो ईयरफोन्स आती हैं उनका गोल होता है, राउंड शेप होता है, तो वो कम्फर्टेबली फिट हो जाते हैं क्योंकि हमें वो इस टाइप की यूज़ करी हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा चपटा है तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा जो मुझे फील हुआ। और बाकी बात करें इसके रबर स्ट्रैप की, तो वन प्लस के कंपैरिजन में करें तो थोड़ा हार्ड है, और वैसे बेसिक ईयरफोन्स के कंपैरिजन में करें जैसे बोट की हो गई या कोई दूसरी मीवी की हो गई, उनके कंपैरिजन में नॉर्मल है, उनके अकॉर्डिंग जैसे ही बनाया हुआ है। तो अगर आपको कोई ऐसी ईयरफोन्स परचेज करनी है जिसका बेस काफ़ी दमदार हो तो आप इसे बेझिझक परचेज कर सकते हो। और अगर आप ख़रीदना चाहते हो 2300 रुपये में तो वन ऑफ़ द बेस्ट एयरफोन है, और 2300 में मत खरीदना, ऑफ़र में ही ख़रीदना, तो ऑफ़र जब आपको दिखे कार्ड में कर लेना, ऑफ़र आएगा तब आपको 1700 आई थिंक 1800 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है, तब आप इसे परचेज कर सकते हो। बस यही था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।